हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग भी की जा सकती है, तो देखते हैं कैसे। व्हेन लिक्विड इवेपोरेट, जब पानी इवेपोरेट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो हीट को अब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड का, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो सराउंडिंग क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। सराउंडिंग क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब लिक्विड इवेपोरेट होता है, ऊपर की तरफ जाएगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो लिक्विड के, वो अब्जॉर्ब करते हैं हीट सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से अब्जॉर्ब अगर वो हीट कर लेंगे, कोई चीज़ सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर लोगे, जैसे कि इस पिक्चर में है, हीट अब्जॉर्ब कर ली, तो सराउंडिंग में तो कोल्ड ही बचा, कोल्ड हो जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर अब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कोल्ड। तो अब क्या होता है, जब कभी कभी हम देखते हैं गर्मियों में जो लोग होते हैं अपनी शॉप्स के बाहर पानी फेंक देते हैं ज़मीन पे, पानी स्प्रिंकल करते हैं या ऊपर भी पानी स्प्रिंकल करते हैं, इससे क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस जब होता है तो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और उस सर्फ हॉट एरिया को कूल कर देता है। तो इस वजह से कूलिंग करने के लिए इवेपोरेशन हम आसपास पानी फेंका करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, समर के टाइम हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट अब्जॉर्ब हीट, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग आवर बॉडी कूल। ठीक है, तो समर में क्या होता है, ज़्यादा हमें स्वेट आता है क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हीट ज़्यादा स्वेट हमारा अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी से और हमारी बॉडी को कूल कर लेता है। ठीक है, वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप अस बॉडी कूल बिकॉज कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट। अब कॉटन क्लोथ्स हम समर्स में डालते हैं क्योंकि कॉटन क्या करता है, अब्जॉर्ब कर देता है स्वेट को, ठीक है, पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, ठीक है, क्लोथ्स। और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो वो अब्जॉर्ब करेगा हीट को बॉडी से और बॉडी को कूल कर देगा। तो यही प्रोसेस होता है, ठीक है, इवेपोरेशन का। सो आई होप आपको इवेपोरेशन वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।